मैं इबलीस को लेकर निकलूंगा। सिनान, लैला और डैफने को लेकर घर पहुंचो, मेरी कॉल का इंतजार करना। भाई हम भी आएंगे। नहीं। अरे भाई मगर मना किया ना मैंने, लड़कियों को एहतियात के साथ घर पहुंचाओ और अपनी आंखें खुली रखना। रस्सी खोल। चीफ, हमें लोकेशन का पता चल गया। कहाँ है वो? अंदर है। मेरी जान। दानिश, दानिश। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है तुम लोग मिलते। मैं तो डर गया था। मेरे पास सही सलामत वापस आओगे तुम तो फैल? हो सका तो सही सलामत वापस आऊंगा लैला। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तुम्हें और कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो फैल। जानता था तुम यही कहोगी लैला, लेकिन महफूज या सही सलामत आऊं कोई गारंटी नहीं। गारंटी देनी पड़ेगी तो फैल। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जिस आटे को गूंदा है वो खराब हो जाए। जब गूंद ही लिया था तो पका भी लेती मुझे। तो फैल, लैला, देर मत करना, ठीक है? नहीं करूंगा। परेशान हो गई थी। कुछ भी नहीं। ठीक है। चलो आ जाओ नीचे चलते हैं। हाँ? लेकिन क्यों? तुम दोनों को हमें वजाहत देनी है कि आखिर वहां से भागने की वजह क्या थी। चलो आओ, ये जो हम दोनों को तुम लोगों ने मुश्किल में डाला ना, इसकी सजा मिलेगी। आ जाओ जल्दी। माफ कीजिएगा डेफने। अब हम क्या करेंगे यार? यशम, यालन से ये नहीं कह सकते कि हम उसकी अम्मी को ढूंढने के लिए गए थे, तो कोई ना कोई बहाना बनाना है। फिर से बहाना बनाना है। और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ना, यही करना होगा। कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कैसे माहिर हो गए हैं। आई लड़की, अब जल्दी से मेरी हौसला अफजाई करो ना। याद नहीं है कि इसके बगैर मेरा दिमाग नहीं चलता है। चलो। ये तो शुक्र है कि लड़की हमें सही सलामत मिल गई। शुक्र है। Thank you.
स्ट्रैपलेस। पहले खबरदार करना चाहिए था। डर के बेचारे। क्या कहा? स्ट्रैपलेस कहा मैंने सिनान। मैं शादी के लिए इंटरनेट पर शादी का जोड़ा देख रही थी, तुम्हें याद है? तो बस फिर मेरी नजर एक खूबसूरत से टॉपलेस गाउन पर पड़ी थी, तुम्हें याद है ना? मैंने बताया था जब मैंने स्ट्रैपलेस का जिक्र किया था तो तुम कितना नाराज हुए थे। लेकिन वो पता है क्या हुआ? उनके पास एक ही ड्रेस बाकी बचा था। तुम समझ रहे हो, तसव्वुर कर सकते हो ना? सिर्फ एक ही, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। हाँ, तो मैं डेफनी के पास गई। डेफनी, डेफनी कहा? डेफनी सुना ना, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और उसके बाद तुम दोनों अगवा हो गए। यालन, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यशिम, मुझे लगा कि तुम बदल गई हो। मैं नहीं बदली हूँ सिनान, मैं गलत थी, मैं बदल ही नहीं सकती। मैं ऐसी ही हूँ जैसी दिख रही हूँ। उस गाउन को देखते ही एहसास हो गया था मुझे ये। उफ मेरे अल्लाह, उफ मेरे अल्लाह। यशम, अब तुम रोना शुरू कर दो जल्दी से। सारा कसूर मेरा है। क्या पागल समझे हुए क्या? क्या कहा था तुमने? मैंने ही उकसाया था यशिम को। मैंने ही उससे कहा था कि ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। गलती हो गई हमसे, मगर हम शर्मिंदा हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, रोना बंद करो। ठीक है, जो होना था हो गया। ठीक है, शुक्र है तुम लोग ठीक हो। कितना प्यारा ड्रेस था। क्या? ठीक है भाई, सच में बहुत अच्छा था वो। ठीक है, रोना बंद करो। ठीक है, अच्छी थी ना? ठीक है। इब्लीस, लड़कियां कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी में। और गाड़ी कहाँ है बताओगे? यहाँ पार्किंग नहीं मिली तो पीछे पार्क कर दी। इब्लीस, तुम यहाँ मजाक करने के लिए आए हो? ये देखना, अब खेल शुरू होगा। हंस लो जितना हंसना है तुमने, जल्दी तुम बहुत रोने वाले हो सौतर जलाल। बहुत अच्छे तो वेल, तुम बैग तो काफी अच्छा लेकर आए हो। लड़कियां तैयार हैं? वो तो है, पैसे लेकर आए हो या नहीं? लाओ पैसे यहां लाकर रखो तो वेल। इब्लीस, लड़कियों को मेरी बताई हुई जगह पर छोड़ दो ताकि इन्हें भी तो पता चले कि हम अपनी जबान के पक्के हैं। मैंने कहा था ना, तुम निगलते नहीं चबाते ज्यादा हो, और तुम इसकी वजह नहीं जानते होगे। वजह यह है कि तुम बहुत जिद्दी हो तुफैल। तो
हाइवे। अब तुम दीवार पर अपना सर मारोगे। अब तुम्हें कैसा लग रहा है दोस्त? इब्लीस, लड़कियों को गोली मार दो। जान लेना गुनाह होता है। तुम्हारा खेल खत्म सातिर, मुझसे उलझने से पहले सोचना चाहिए था। तुम बचोगे नहीं तुफैल। सातिर पकड़ा गया। अल्लाह! सातिर पकड़ा गया क्या? हाँ, मैं सुन सकता हूँ लैला। अब मैं तुम्हारे मुंह से भी एक हाँ सुनना चाहता हूँ। क्या कल रात तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकते? क्या बात है! यस यस यस, जरूर चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। तो फैल होता भी नहीं। शुक्रिया कहो मुझे। ये क्या बकवास कर रहा है? पागल है ये आदमी, बिल्कुल पागल। लेकिन मेरे काम आएगा, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ इसे। ट्राई करते हैं। इब्लीस, मैं डेफ ने बात कर रही हूँ, हमें मिलना होगा। कहाँ रह गया आप ये आदमी? आजकल वक्त की कोई कदर ही नहीं। अल्लाह, हद है। डरा दिया मुझे। अगर आ ही गए थे तो आवाज देते थे मुझे। क्या चाहती हो तुम? अच्छा तो तुम कौन हो? क्या चाहती हो तुम? बताओ ना, ताकि मैं अपनी बात कर सकूं। तुम तो जानते हो ना मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड को, वो जो लंबा चौड़ा सा है, यालिन नाराज। हाँ, वही। यालिन की अम्मी दरअसल जब वो बहुत छोटा था उसे छोड़कर चली गई। खैर, मैं इस मिशन पर ऑलरेडी यशम के साथ काम कर रही हूँ, और हमें एक सबूत मिला है। एक गांव में अपने भाई के साथ उन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई थी। किसी भी तरह उन्हें ढूंढना है हमें। मेरे ख्याल में तो उनका भाई एक डॉक्टर है। अब बताओ, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम सब कुछ समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, अब अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं ये काम लेके तुम्हें पैसे दूंगी, जितने भी तुम बोलोगे। 5,000। ठीक है, तो फिर डील हुई। मिल जाएंगे पैसे, लेकिन सस्ते में मान गए तुम तो। मुझे लगा था एक अम्मी को ढूंढना है बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन अच्छा है उनके लिए इतने ही बहुत है। वैसे तो एक माँ अपने बच्चों के लिए बिल्कुल अनमोल होती है, मगर जैसे तुम्हें ठीक लगे उतने। गए
ये तो बहुत गर्म है, अब ठीक है। ओए ओए मेरी बच्ची, तुमने तो दो दिन से कोई बात नहीं की, बस यही बैठी रहती हो जैसे कि यहाँ चिपक गई हो तुम। तौबा तौबा, लगता है इस लड़की को कुछ हो गया है। अच्छा ये बताओ, ये तुमने इस वक्त क्यों पहना है? मैं और लैला डिनर पर जा रहे हैं, इंतजार मत कीजिएगा। हाय अच्छा है, अच्छा है, उम्मीद है सब अच्छा होगा। मुझे भी यही उम्मीद है दादी, इंशाल्लाह। मैं तैयार हूँ। अब चले खातून। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने ऐसा क्यों कहा। चलो देर हो रही है, मामा की जान जब आप होमवर्क कंप्लीट कर ले तो सोने चले जाना, ठीक है? और दादी को तंग नहीं करोगे? ठीक है मम्मा, नहीं करूंगा। मेरा बच्चा, मामा की जान। चलो मुझे भी प्यार दो। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या बात है, तुम चलो मैं आती हूँ। हेलो तुफैल भाई, इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? भाई वो मैं बस आपके जाने से पहले यहाँ पहुँचना चाहता था, लगता है सही वक्त पर पहुँचा। ट्रैफिक की वजह से हम ज़रा जल्दी निकल रहे हैं, तुम क्यों आए हो? भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज डेफने को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम्हारी चुनौत कैसे हुई? इतने दिनों तक साथ रहे फिर भी बाहर ले जाना चाहते हो? हाँ भाई, लेकिन वो दरअसल उस अगवा के मामले के बाद। खुश आमदीद यालन। बहुत शुक्रिया लैला, बहुत प्यारी लग रही है। तारीफ करने का शुक्रिया, मैं और तुफैल डेट पर जा रहे हैं, आज शाम डिनर का प्लान है हमारा। क्या ये वही डेट है जिसका तुफैल भाई ने आपसे जंगल में पूछा था? सही कह रहा हूँ ना? हाँ वही। खैर मैं यहाँ डेफने को ले जाने की इजाजत लेने आया था, लेकिन लगता है कि तुफैल भाई ऐसा नहीं चाहते। क्यों इजाजत नहीं दे रहा ये तुफैल? लैला तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? आई तुम यालिन को अपने साथ ले जा सकते हो, बिल्कुल मेरी तरफ से इजाजत है। तुम लोग घूमो फिरो मजे करो, और इसके अलावा जरा इससे पूछना और इसने किससे इजाजत ली मुझे बाहर ले जाने से पहले। मैं आपके बीच मुखल नहीं होना चाहता, आप लोग जाएं एंजॉय कीजिए। चलो चलो डेफने को ज्यादा इंतजार मत करवाओ, जल्दी जाओ। बहुत अजीम है आप। जालिल रुको, जालिल। आयश ये क्या कर रहे हो तुम यार? तुम पे तो हमारा ताल्लुक बेहतर करना चाहते हो ना, कई दिनों से मेरे पीछे पड़े हो, और जब मैंने डिनर की दावत कबूल कर ली अब तुम इस लड़के के पीछे पड़ गए हो। बात सुनो, पीछा छोड़ दो इसका। तुमने देखा नहीं वो मेरी बहन के पीछे भाग रहा है, उसे डेफने को अकेला छोड़ देना चाहिए। और तुम जो इतने दिन से मेरे पीछे भाग रहे हो वो हुँ? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। हद है भाई, उनके नाम से तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सी है? हाय अब तक तो वो अहमक पागल हो गया होगा उन्हें ढूंढते हुए, उम्मीद है कि पैसों के लालच में किसी भी तरह उन्हें ढूंढने की कोशिश करे। काश उसकी दूसरी पर्सनालिटी से मेरी बात हो जाती, मासूम भी है वो, इतना बुरा नहीं है। इबलीस की उम्र लंबी होती है, मगर इतनी लंबी कि ये तो घर ही आ गया है।
या अल्लाह इब्लीस नहीं आदम आया हो ताकि मैं उससे सुकून से बात कर सकूं, क्योंकि वो दूसरा खड़ूस तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करने देता है। अरे यालिन, लगता है किसी और का इंतजार कर रही थी। नहीं तो तुम्हारा इंतजार है भाई, कोई बताए इसे मुझे इसका कितना इंतजार है, मैं तुम्हें ही मिस कर रही थी। हम जा रहे हैं, चलो। कहाँ जाना है? कोई सवाल नहीं लड़की, जो कहा है ना मान लो। ठीक है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ फिर। जरूरत नहीं, इसी में प्यारी लग रही हो। इस हालत में सच में बहुत हसीन लग रही हो। अपने दोस्त को खुदा हाफिज कह दो। हाँ हाँ ठीक है रिफ्के, हम जा रहे हैं। कहाँ ये नहीं पता। यार इतना सब कुछ हो गया है लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई है जो आज भी मुझे इस हालत में लेकर जा रहे हो। अगर तुफैल भाई ने हमें इस तरह से देख लिया ना तो। मैं तुफैल भाई से इजाजत ले चुका हूँ। कैसे? एक मिनट, तो तुम ये बोल रहे हो तुमने मुझे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए तुफैल भाई से इजाजत ले ली है? यार यालन। हाय देयर। जी मेरी जान। मेरे लिए क्या डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है तुम्हें? वक्त कम रह गया है ना, मेरे पास कितना वक्त है? मेरे पास 2 महीने, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता। सच सच बताना मुझे। हाँ हमारे पास साथ गुजारने के लिए बहुत साल रह गए हैं, ठीक है? तुम्हारे इन हाथों की उंगलियां उन्हें बिल्कुल भी नहीं गिन पाएंगे। समझ गई मैं, तुम्हारे पास मेरे लिए एक बहुत ही रोमांटिक सरप्राइज मौजूद है ना? हाँ। मैं तो सोच के ही एक्साइटेड हो गई। कहाँ जा रहे हैं हम दोनों? नहीं बता सकता। यार बता दो ना मुझे। नहीं बता सकता ना? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भी नहीं जानता। क्या कर रही हो डेफ ने? तुम्हारी इन बातों को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूं मैं। तुम तो गए। Bir aynı hüzünlerle mi kaplı? Kuzey, güney, doğu, batı. Aşkın dört bir yanı. Hiç olmasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da kavuşsak mı? Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden. Bir çıksam, uyusam, uyandığımda yanımda sen olsan. Sarılsam her şeyimle gerçeğim, kavuşsam öperken gözyaşlarına karışsam. Ve biz olsak gökyüzünde sonsuza uzansak, seninle sönmeyen yıldıza tutunsak ve orada gün be gün adım adım çoğalsak ve sonra iki ömür beraber olsak. Bu bir yalan mı? Kalbim onda kaybolan mı? İki kişiyle oynanır mı? Aşk mı? Oyuncak mı? Biz oynasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da kavuşsak mı? Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden. Bir çıksam, uyusam, uyandığımda yanımda sen olsan. Sarılsam her şeyimle gerçeğim, kavuşsam öperken gözyaşlarına karışsam. Ve biz olsak gök
gökyüzünde sonsuza uzansak seninle, sönmeyen yıldıza tutunsak ve orada gün be gün adım adım çoğalsak ve sonra iki ömür beraber olsak. Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden bir çıksam, uyusam, uyandığımda yanımda sen olsan, sarılsam her şeyimle gerçeğim, kavuşsam öperken gözyaşlarına karışsam ve biz olsak gökyüzünde sonsuza uzansak seninle, sönmeyen yıldıza tutunsak ve orada gün be gün adım adım çoğalsak ve sonra iki ömür beraber olsak. फैल मेरी जान, अब कह दो। चलो। क्या कह दूं? जो तुम्हें बात परेशान कर रही है वो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक हूँ। तो फैल, मैं जानती हूँ। कुछ ना कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा है। चलो कह दो। चलो। आखिर मैंने यालिन को कैसे इजाजत दे दी लैला? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़का मेरे घर आया और मैंने उसे इजाजत। अरे तुफैल, वो वहाँ उस घर में काफी दिनों तक एक दूसरे के साथ रह चुके हैं। दोनों बातों में फर्क है, वहाँ पर डैफने का भाई भी साथ था। मालूम नहीं दोनों क्या कर रहे होंगे। ये तुम्हारी गलती है, जब हम जा रहे थे तो तुमने ही मुझे बहकाया। यानी कि मैंने तुम्हें बहकाया था? हाँ, दरअसल तुम हर वक्त ऐसा ही करती हो और तुम्हारी बातों की वजह से मैं आज भी बहक गया, वरना मैं यालिन को इस बात की इजाजत हरगिज ना देता। रहने भी दो तुफैल, तुम जानते हो ना कि तुम कितने शकी मिजाज इंसान हो। तुम उनके रिश्ते के इतने ही मुखालिफ होते तो तुम मेरी तरफ भी कभी ना देखते। मैं हर किस्म के हालात में भी तुम्हें देखता लैला। तो फिर ठीक है तुफैल, ज्यादा मत सोचा करो, तुम सिर्फ मुझे ही देखते रहो, ठीक है ना? देखो ये लम्हा कितने अरसे बाद आया है। हाँ, ये कई सालों बाद हमारी पहली डेट है और तुम जानती हो ये आखिरी नहीं होगी, है ना? लेकिन मुझे उस लड़के को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब। उफ तुफैल, मैं हद से ज्यादा बेजार हो गई हूँ तुमसे। अगर तुम यूं ही करते रहे ना तो तुम कभी तब्दील नहीं हो सकते। ठीक है ठीक है, सुनो ना, ठीक है ना? यार, आज का दिन इतना अच्छा गुजरा है कि मैं तुमसे दूर ही नहीं जाना चाहती। हम कभी दूर नहीं होंगे। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं जानती हूँ हम ब्रेकअप नहीं कर रहे, लेकिन अभी तो अपने अपने घर चले जाएंगे ना। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ए यार, अकल से काम लो वरना मार खाओगे। डेफने, मैं भी साथ चल रहा हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर, साथ सोऊंगा ना। नो, देखो हर बात की एक हद होती है और तुम हद पार करते ही जा रहे हो। नहीं, ये हुई ना बात। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ, गुड नाइट, टेक केयर। ये तो पीछे ही आ रहा है। मेरा इंतजार तो कर लो। यालिन जान, देखो प्लीज तुम मेरी बात सुनो, तुम समझो अंदर तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तुम बिना वजह खुद को थका रही हो, मैं अंदर चल रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं आ सकते हो ना। मैं आ सकता हूँ। नहीं आ सकते? हाँ। नहीं। हाँ। यालिन नहीं आ सकते ना। हाँ। क्या नहीं? हाँ। यार। हाँ।
तुम्हारे चेहरे के तासरात देख लिए मैंने। लेकिन तुमने मेरा मुक्का नहीं देखा लैला, जो उसके मुंह पर पड़ने वाला था। हाँ सही कह रहे हो, तुम तो वैसे मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही सुधर गए हो। तो फैल, इस इंसान ने किसी को कत्ल करने की नीयत की लेकिन उसे कत्ल नहीं किया। वो बच गया क्योंकि खुशनसीब था। आह तो फैल, तुम कह रहे हो कि वो खुशनसीब था? यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाँ वो था, क्योंकि अगर तुमने मेरा मुक्का देखा होता तो तुम भी यही कहती। आह देखा था मैंने तुम्हारा मुक्का। इस बात को ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब यॉलन की पिटाई की थी तुमने हम सबके सामने। रहने दो लैला, ये तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था। मैंने गैराज का दरवाजा बंद कर दिया था। इस इंसान ने गैराज का दरवाजा बंद कर दिया, इस बात के लिए क्या मुझे तुम्हें शाबाश देनी चाहिए? तो फैल हाँ मैं यही चाहता हूँ लैला, लेकिन तुम हो के बातें बनाकर हमेशा मुझे टाल देती हो। तो फैल क्या तुम बात बदलने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ये हम मार कुटाई की बातें छोड़कर यहाँ तक कैसे पहुँच गए? नहीं जानता, बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो फैल हाँ लैला, ये तुम क्या कर रहे हो? शायद मैं तुम पर लाइन मार रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ, इसे लाइन मारना बिल्कुल नहीं कहते। मैं इसे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ, बस तुम इसी तरह मेरी तरफ देखती रहो। तो किस तरह देखती रहो? जैसे मुझे मिस कर रही हो। हाँ, इसका मतलब मैं फंस गई। हाँ फंस गई हो। तो फैल अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है शायद तुम मुझे किस करोगी और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो फैल कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि असली तो फैल इतना रोमांटिक भी है। सही कहा, तुमने हमेशा मुझे गुस्सा करते देखा है, मेरे अंदर के आशिक को तो देखा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या वाकई कहाँ है वो आशिक आदमी? यहाँ है। तुम कब से मेरा सब कुछ बन गई हो डेफने? वाकई बन गई हूँ। हाँ बन गई हो। मैं जीऊं या मरूं तेरा जिक्र करता रहूं, तू ही मेरा है जहां। मेरी नीली आंखों वाला लड़का। मेरी जान मुझे ना बहुत भूख लग रही है, चलो कहीं नाश्ता करने चलते हैं। हरगिज़ नहीं, इसमें ऐसा नहीं लिखा है। अरे कहाँ नहीं लिखा हुआ है? ये हमारे कामों की लिस्ट है, देख लो उसको सही से। आज से 23 दिन बाद हमारी शादी है ना, तो हमें उसके लिए काम करना है। हाय इब्लीस, ये कौन है? इब्लीस यहाँ पर?